हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था फिनॉल बनाने की विधियां, जिसमें पहली रीति हमने प्रयोगशाला के अंदर किस प्रकार से फिनॉल बनाते हैं। आज हम ले रहे हैं औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधि के अंदर सबसे पहले आती है क्यूमिन। क्यूमिन के द्वारा आप फिनॉल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं आउटलाइन बता देता हूँ कि क्यूमिन जो होती है ना, क्यूमीन की सबसे पहले वायु से क्रिया करवाते हैं। किससे क्रिया करवाते हैं? वायु से क्रिया कराते हैं, जिससे क्यूमीन, नाम ध्यान रखिएगा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसका आगे हम अम्लीयकरण करते हैं। क्या करते हैं? अम्लीयकरण, अम्लीय माध्यम में इसे ले जाते हैं, जिससे क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल, और साथ में इसके अंदर कीटोन बनता है। क्या बनेगा? एसीटोन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो ये पहली विधि है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको क्यूमिन का सूत्र लेना है। तो क्यूमिन का सूत्र देखिएगा, CH3CH, इधर होती है बेंजीन की वलय, ठीक है, और इधर होता है CH3, ये है क्यूमिन। क्या नाम है? क्यूमिन। अब इसका अपन क्या करते हैं? ऑक्सीकरण, वायु, वायु के साथ में इसे जब मिलाते हैं तो क्या बन रहा है? क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। अब परऑक्साइड कहां से बनेगा? ये दोनों ऑक्सीजन है ना, वो इस कार्बन से जुड़ेंगे। कैसे? कि सबसे पहले आप बना दो बेंजीन की वलय, ठीक है। अब इस कार्बन से देखो, एक CH3 एक CH3 दो जुड़े हुए, तो सबसे पहले जोड़ दो CH3, एक इधर CH3। अब H है ना, इस H के बीच में दो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएंगे, एक O, दूसरा O और ये तीसरा है। इसका नाम है क्यूमिन, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड है, इसको अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं? ले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इसमें एसीटोन बनता है। देखो यहां से बंध टूटेगा, ये ना, ये स्थिति, ये पूरी की पूरी अलग होगी। ये पूरी की पूरी अलग कैसे होगी? तो इसमें हटेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये अलग हो जाएगा और साथ में बनेगा क्या? फिनॉल। क्या बनता है इसके अंदर? फिनॉल प्राप्त होता है। ये बनता है इसमें फिनॉल, और हटा क्या है इसमें? एसीटोन। ये एसीटोन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो पहली विधि क्या है? क्यूमिन की वायु से क्रिया कराओ, तो क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है, जिसे अम्लीय माध्यम में ले जाते हैं, गर्म करते हैं, तो एसीटोन अलग हो जाएगा और फिनॉल प्राप्त होगा। इसका नाम ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। तो ये पहली विधि है क्यूमिन के द्वारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। अब दूसरी विधि है, वो है कोल टार के द्वारा। देखो मैंने पहले ही बताया था, फिनॉल जब शुरू किया था अपने, तब कहा था कि कोल टार जो होता है, कोल टार के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, देखो क्या करना है सेकेंड विधि के अंदर। सेकेंड विधि आती है कोल तार द्वारा, ठीक है। अब कोल तार जो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा कि कोल तार का प्रभाजी आसवन करते हैं। क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन। आपको पता है कि ये पेट्रोलियम पदार्थ है कोल तार। अब कोल तार पेट्रोलियम पदार्थ है, तो इसका हम जब प्रभाजी आसवन करते हैं, तो प्रभाजी आसवन करने पर एक भाग प्राप्त होता है इसका, जिसे कहा जाता है मध्य तेल अंश कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य तेल अंश कहते हैं। और ये मध्य तेल अंश जो होता है, इसके अंदर है ना, इस मध्य तेल अंश के अंदर फिनॉल और नेफ्थलीन जो होती है, फिनॉल और नेफ्थलीन का मिश्रण पाया जाता है। इसके अंदर मध्य तेल अंश के अंदर, इसके अंदर ये मिश्रण उपस्थित होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो मध्य तेल अंश है, ये इस मध्य तेल अंश की क्रिया आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो
अब ये मध्य तेल अंश हमें लेना है, तो मध्य तेल अंश का सूत्र भी अपन इसको किसके रूप में लिखेंगे, फिनॉल के रूप में ही लिखेंगे। ये है मध्य तेल अंश, मध्य तेल अंश, ठीक है। अब इसकी क्रिया कराओ NaOH से। अब फिनॉल से जब क्रिया करवाते हैं तो इससे पहले हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है उसमें आपने देखा है क्या हटेगा, तो ये OH और ये H, क्या हटा, H2O, H2O हटा, तो क्या बनेगा इसमें सोडियम फिनॉक्साइड, क्या प्राप्त होगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ONa, ठीक है, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। अब जनरली हम क्या करते हैं कि जब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है तो हमने इससे पहले वाली रिएक्शन में ली थी कि उसका अम्लीयकरण करते हैं, क्या करते हैं, अम्लीयकरण करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से कराई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से। तो क्या होगा, हमें बनाना क्या है, तो सबसे पहले तो आप बना दो इसके अंदर अपना उत्पाद, मुख्य रूप से क्या बनता है, फिनॉल, क्या बना, ये फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल कैसे बना, तो यहां से ओ, या तो ये पूरा हटा दो, देखो ये है CO2, ठीक है, CO2 और एक ऑक्सीजन, क्या बना, CO3, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो हम इसके साथ में एक H इधर जोड़ देते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ चली गई, पीछे है Na, तो ये NaHCO3 इसके अंदर बनता है, क्या बना, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण इसके अंदर होता है, तो प्लस साथ में बनेगा, देखो CO2 और एक ऑक्सीजन, CO3 अलग हो गया, एक ऑक्सीजन इधर दी, यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ी, एक H पीछे रहा, ये एक H और ये Na, तो NaHCO3 का निर्माण होता है। तो ये दूसरी विधि है जिसे हम कहते हैं कोलतार, कोलतार के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, तो कोलतार का प्रभाजी आसवन मध्य तेल अंश बनेगा जिसमें क्या पाया जाता है, फिनॉल और नेफ्थलीन का मिश्रण, फिर आप इस फिनॉल और नेफ्थलीन में से ये जो मध्य तेल अंश है इसकी क्रिया NaOH से कराओ, तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से करवाते हैं तो फिनॉल और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। अब हम लेते हैं इसकी तीसरी विधि, वो है बेंजीन के द्वारा किस प्रकार से इसे बनाया जाता है, तो बेंजीन के द्वारा बनाना सबसे सिंपल विधि है और यही परीक्षा में सवाल पूछा जाता है इसके अंदर। देखिए तीसरी विधि आती है बेंजीन द्वारा, किसके द्वारा, बेंजीन द्वारा, तो बेंजीन के द्वारा जब बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, किसका, बेंजीन का, तो बेंजीन का ऑक्सीकरण करने के लिए इसमें तापमान ध्यान रखिएगा 583 केल्विन ताप और V2O5 उत्प्रेरक, कौन सा, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है, तो V2O5 की उपस्थिति में कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले ले लो आप बेंजीन, ठीक है, आप बेंजीन में इधर क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो O2, उपस्थिति V2O5, टेम्परेचर 583 केल्विन, ठीक है। अब यहां क्या होता है, इसको फिनॉल में बदलना है, तो फिनॉल में बदलेंगे तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेगी, यूं ये आ जाएगा OH, ये क्या बना, फिनॉल, इसलिए इसमें क्या करते हैं, हाफ O2 ली जाती है, ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया जाता है, तो ये बनता है फिनॉल, ठीक है। अब बोर्ड परीक्षा में सवाल कैसे आता है, तो बोर्ड में एग्जाम में सवाल आता है, तो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये क्वेश्चन यूं आता है, देखो आप क्या करेंगे, बेंजीन दे देंगे आपको केवल, ठीक है, और बेंजीन प्लस हाफ O2 और इधर लिखा जाएगा V2O5, बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए, तो ये क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि यहां आपको बताना है इस अभिक्रिया को पूरी करनी, ठीक है ना। तो ये तीसरी विधि है बेंजीन द्वारा ऑक्सीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो उत्प्रेरक क्या नाम ध्यान रखोगे, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड और 583 केल्विन ताप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब इसके बाद चौथा मेथड आता है, देखिए चौथा है रॉसिंग प्रक्रम। क्या आता है? रॉसिंग प्रक्रम। अब ये नेम रिएक्शन आएगी, एक आएगा रॉसिंग प्रक्रम, एक आएगा डाउ प्रक्रम, ठीक है। तो चौथी विधि हम लेते हैं रॉसिंग प्रक्रम, रॉसिंग प्रक्रम। अब रॉसिंग प्रक्रम में सबसे पहला स्टेप, इसमें भी दो पद है ध्यान रखिएगा, तो पहला पद जो आता है, ठीक है, अब पहले पद के अंदर हम क्या करते हैं कि जो अपने इसके अंदर बेंजीन होती है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताओगे? बेंजीन प्लस HCl प्लस O2, ये दोनों क्या पाई जाती है? वाष्प। ये भी वाष्प है और ये भी बेंजीन की भी क्या होती है? वाष्प ही होती है। तो इनकी जब क्रिया कराई जाती है तो बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट स्टेप में क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। फिर आगे इस क्लोरोबेंजीन जो होती है, इस क्लोरोबेंजीन को हम भाप के साथ में, भाप जो होती है इसके साथ में इसे गर्म करते हैं, और उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा SiO2 की उपस्थिति के अंदर, किसकी? SiO2 की उपस्थिति में करते हैं, और तापमान होता है 723 केल्विन। कितना? 723 केल्विन ताप, इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो अभिक्रिया, सबसे पहले बेंजीन लो, तो ये हमने ली बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन की क्रिया HCl और O2 से करवाई, ठीक है, HCl और O2 से करवाते हैं। अब इधर से देखो आप, इधर H है तो एक H, एक H, और यहां पर हम लेते हैं हाफ O2, ठीक है। तो हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा? H2O। H2O हट जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक ऑक्सीजन का परमाणु ये तीनों हट जाएंगे। अब पीछे सीएल रहा, तो इस सीएल को जोड़ दो आप, तो ये क्या बना? इसके अंदर पहला उत्पाद हमने क्या लिया था? क्लोरो बेंजीन। तो पहला उत्पाद बना है इसके अंदर क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में ये जो क्लोरो बेंजीन है, कौन सा? ये क्लोरो बेंजीन, इसकी भाप यानी किससे क्रिया कराते हैं? H2O से। ये क्या है? भाप। भाप से क्रिया करवाते हो उत्प्रेरक SiO2, टेम्परेचर 723 केल्विन ताप के ऊपर। तो क्या हटा? HCl हटा, OH आके जुड़ गया, तो ये बनेगा इसमें एक तो बनेगा आपके फिनॉल, और प्लस साथ में क्या हटा? HCl। ये फिनॉल इसके अंदर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये फिनॉल बनाने की चौथी विधि है जिसका नाम है रॉसिंग प्रक्रम, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पांचवी विधि आती है, तो पांचवी विधि दी गई है, वो है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में कुछ नहीं करना है आपको। डाउ प्रक्रम में क्या करोगे कि जो ये रॉसिंग प्रक्रम है, ये तो पहला स्टेप सेम रखना है, और सेकेंड स्टेप इसमें आप क्या करोगे? चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लेते हैं पांचवा, वो है डाउ प्रक्रम। देखो इसमें मैं ये प्रक्रिया है ना सेम रख रहा हूं, क्योंकि इसमें अपन को चेंज नहीं करना है, ये सेम रहेगी, क्योंकि भाषा जो है, भाषा में साफ लिखा हुआ है कि रॉसिंग प्रक्रम से प्राप्त, किससे? रॉसिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। तो पांचवी विधि आती है इसके अंदर, वो है डाउ प्रक्रम। कौन सा? डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम में आप बताओगे सबसे पहले तो क्या करेंगे? रॉसिंग प्रक्रम। तो रॉसिंग प्रक्रम से हम क्या करते हैं? पहले क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और फिर आगे इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराओ, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, या फिर इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट, किसी से एक से भी करवा सकते हो। तो पहला प्रक्रम तो ये हुआ HCl,
क्लोरोबेंजीन बना। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम NaOH से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? NaOH से। और उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा CuCl2, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इससे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से करेंगे तो क्या हटेगा? NaCl। क्या हटा? NaCl, और OH आके जुड़ जाएगा। तो OH जुड़ा, तो OH जुड़ते ही क्या बनेगा? इसके अंदर फिनॉल क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये इसकी डाउ प्रक्रम के अंदर पहली समीकरण आप लिखेंगे क्या? रोसिंग प्रक्रम से जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है उसकी NaOH से क्रिया कराओ CuCl2 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। ठीक है, और दूसरा हमने लिया है ना सोडियम कार्बोनेट, तो पहले आप ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम फिर वापस क्लोरोबेंजीन की क्रिया एक सोडियम कार्बोनेट से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ले लीजिएगा। देखिए अब क्या करते हैं, इसी में ये जो क्लोरोबेंजीन बनी है, ठीक है ना, अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया आगे, ये लास्ट अभिक्रिया है इसमें, क्लोरोबेंजीन जो होती है इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का भी सिंगल सोडियम कार्बोनेट नहीं लेंगे, इसका जलीय विलयन लिया जाता है। तो ये क्लोरोबेंजीन प्लस Na2CO3 और साथ में क्या लेते हैं? H2O। जलीय विलयन के साथ में इसे गर्म किया जाता है, और इसे जब गर्म करेंगे तो हमें बनाना क्या है? फिनॉल। तो सबसे पहले आप क्या करो? फिनॉल बना दो। सबसे पहला उत्पाद इसके अंदर बता दीजिए फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल बना है तो देखो कैसे बना, तो यहां H2O है, इधर Na2CO3 है ना, तो यहां से एक ऑक्सीजन और एक H हट गया, ये इसके साथ आगे जुड़ गया। अब इधर क्या रहा? एक हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन इधर रही क्योंकि ऑक्सीजन और इधर से OH समूह जो था वो हमने इसके साथ में जोड़ दिया। अब ये Cl है, ये इसके साथ हटेगा, तो देखो दो Na है, है ना, तो दो Na से एक तो बनता है NaCl, एक Na इसका, एक क्लोरीन इसका। ठीक है, पीछे एक Na रहा, एक N Na, एक हाइड्रोजन और एक CO3, ये मिलके बना देंगे NaHCO3। इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो एक NaCl और एक फिनॉल। तो हमने इसमें टोटल देखो पांच विधियां हैं। पहली विधि कौन सी थी? पहली हमने ली थी सबसे पहले इसकी औद्योगिक विधियों के अंदर, जैसे सबसे पहले आपने लिया था इसके अंदर, हमने लिया क्यूमिन के द्वारा। तो क्यूमिन से जब क्रिया कराई तो क्यूमिन से क्या बनता है इसमें? पहले हाइड्रो, ये क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड बनती है, फिर आगे वो फिनॉल में परिवर्तित होता है। फिर दूसरा, दूसरी विधि ली कोलतार से, कोलतार का प्रभाजी आसवन किया, प्रभाजी आसवन करते ही किसमें बदला? मध्य तेल अंश में, जिसमें फिनॉल और नेफ्थलीन का मिश्रण होता है। फिर आगे तीसरी विधि ली थी हमने बेंजीन का ऑक्सीकरण किया। ठीक है, चौथी ली रोसिंग प्रक्रम, और पांचवा कौन सा आता है? डाउ प्रक्रम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो ये हमारे फिनॉल बनाने की पांच विधियां, मतलब पहले थी पांच, कौन सी थी? पांच थी प्रयोगशाला विधि, और पांच आई कौन सी? ये वाली विधि, औद्योगिक विधि। टोटल 10 विधियां हैं बनाने की। ठीक है, और अब मैं इसके साथ में आपको बता रहा हूं इसके भौतिक गुणधर्म। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भौतिक गुणों में सबसे पहला गुण ये तो क्या है? रंगहीन है। ठीक है, और विशिष्ट गंध युक्त, इसकी गंध एकदम विशिष्ट होती है। तो विशिष्ट गंध युक्त क्या है? द्रव और ठोस दोनों अवस्था के अंदर ये पाया जाता है। द्रव वैसे इसको द्रव अवस्था के अंदर ही बताओ आप। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं कि इसे है ना वायु में अगर खुला रखते हैं, तो वायु में खुला रखने पर, वायु में खुला रखने पर ये स्वतः ऑक्सीकृत हो जाएगा, स्वतः ऑक्सीकृत होकर, और
गुलाबी रंग का द्रव बनाता है, गुलाबी रंग का द्रव बनाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका सूत्र है, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो और इधर ये, इसे कहते हैं पैरा बेंजो क्विनोन। अब ये क्विनोल नहीं है, क्विनोन है, क्या नाम है? क्विनोन। तो ये आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रखना है ध्यान। कहते हैं ना कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल को अगर वायु में खुला रखते हैं, तो वायु में खुला रखने पर ये क्या होगा, स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर और गुलाबी रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो अब पूछते क्या है कि इसका रंग गुलाबी क्यों होता है, तो गुलाबी रंग होने का मुख्य कारण ये यौगिक है, कौन सा? पैरा बेंजो क्विनोन। ठीक है, तो ये दो गुण तो इसके ये हो गए। तीसरा, इसकी विषैली प्रकृति है, ध्यान रखिएगा क्या है विषैली प्रकृति। विषैली प्रकृति का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे हाथ पर त्वचा के ऊपर लग जाता है, तो त्वचा पर ये बिल्कुल जहर मतलब जलन उत्पन्न करेगा और इसके ऊपर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला रंगहीन विशिष्ट गंधयुक्त द्रव, दूसरा वायु में खुला रखते हैं तो ये गुलाबी रंग का द्रव बनाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन, जिसका रंग गुलाबी होता है। तीसरा, इसमें बताओगे विषैली प्रकृति होती है फिनॉल की। अब चौथा इसमें हम बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चौथा इसमें आपको बताना है, मुख्य रूप से चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका इस जल में जो विलेयता होती है इसकी, तो जल में ये क्या होता है, बहुत ही कम यानी अल्प विलेय है। तो अल्प विलेय का कारण होता है इसके अंदर कौन सा, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ये जल में क्या होता है, अल्प बहुत ही कम मात्रा में ये विलेय होता है। और पांचवा हम बताते हैं इसका क्वथनांक। तो क्वथनांक ध्यान रखिएगा कि फिनॉल में हाइड्रोजन बंध कौन से, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इनके क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इनके क्वथनांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ध्यान रखना, चौथा जल में अल्प विलेय है, बहुत ही कम मात्रा में, कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। क्वथनांक की बात करते हैं तो फिनॉल में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इनके क्वथनांक का मान, जैसे नॉर्मली हाइड्रोकार्बन होते हैं या अपन और भी लेते हैं, जैसे क्या लिया था अपन ने, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन है, हेलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं, उनकी तुलना में इनके क्वथनांक के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब आपको इसका एक तो याद रखना है गलनांक और एक याद रखना है क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। ये इसमें भी ध्यान रखना कि इसकी अवस्था में मैंने बताया ना द्रव, तो द्रव भी होता है लेकिन क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस अवस्था भी रहती है। तो फिनॉल जब आप देखोगे ना प्रयोगशाला के अंदर, तो प्रयोगशाला में जो अपने बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर अपन को गुलाबी रंग का विलयन दिखेगा, लेकिन जैसे अपन इस बोतल बंद है और उसको खोलेंगे और खोल के थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ना, तो उसके अंदर कांच जैसे टुकड़े दिखाई देते हैं, वो किसके होते हैं, फिनॉल के ही होते हैं। तो हम फिनॉल को द्रव अवस्था भी बताते हैं और साथ में कौन सी अवस्था, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था भी बता सकते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस अवस्था है ना, इसलिए इसका गलनांक का मान कुछ दिया गया है और इसका गलनांक दिया गया है 314 केल्विन। कितना है, 314 केल्विन, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इसके गलनांक का मान ये दिया गया है। और क्वथनांक जो होता है, इस क्वथनांक का मान दिया गया है 455 केल्विन ताप के ऊपर। तो ये आपको इसके भौतिक गुणधर्म ध्यान में रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो विशेष तौर पे ये पांच इसके भौतिक गुणधर्म हो गए, गंध वगैरह जो भी है, विशिष्ट गंधयुक्त होती है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे फिनॉल के बारे में, OH जो फिनॉलिक समूह का प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा ये किस प्रकार से, मतलब हमने दिया है जो इसमें कि वास्तविक तो नहीं है, ठोस
ठोस अवस्था के अंदर पाया जाता है, और द्रव अवस्था में भी कुछ वाष्प में भी बदल सकता है, या ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने पर भी हम क्या बता दें, ऑक्सीजन से क्रिया करके गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। इसका कारण है पैरा बेंजो क्विनोन का निर्माण होना। ठीक है, फिर जल में अल्प विलयता होती है हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। क्वथनांक अन्य हाइड्रोकार्बन, हेलोएरिन, हेलोएल्केन वगैरह उनकी तुलना में ज्यादा होता है। इसका कारण भी क्या है, हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, फिर इसकी गलनांक और क्वथनांक का मान ये आपको ध्यान में रखना है। वहां ध्यान रखिएगा फिनोल की भौतिक अवस्था के अंदर, याद रखना क्रिस्टल ये ठोस अवस्था और साथ में कैसा होता है वायु में, ये द्रव अवस्था के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये अपने हो गए इसके भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। धन्यवाद।